Hi guys! So after long time, I'm finally shooting a vlog. अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, you can see. और मैं अपनी लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव परचेज करने जा रही हूँ, जो कि आप थोड़ी देर में देखने ही वाले हैं कि what I have purchased. And I'm so excited, so nervous. So अभी जर्सी में स्टोर पे पहुंचती हूँ, देन आई एम गोइंग टू शो यू गाइज व्हाट आई हैव एक्चुअली परचेज्ड. बाय. You have finally seen what I have purchased. I have purchased the Apple MacBook Pro 2019 model. So I'm very, 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 very excited to get this finally in my hand. I'm just going to mention the price here for this Apple. Obviously, I got a 10,000 rupees discount, so you can calculate it. मेरको कितने का पड़ा होगा? I have come from office right now क्योंकि मैं कल ये video shoot ही नहीं कर पाई, मुझे time ही नहीं मिला. मैं घर पे आके फटाफट मैंने इसको मतलब अच्छे से open वगैरह करके use करने का कोशिश किया. So I really didn't get the time and morning में I went to gym. If you guys are not aware already, I have been gymming for like what? 2.5 weeks now. तो या तो मुझे सुबह जिम भी जाना था. आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा फालतू की बकवास कर रही हूँ क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस व्लॉग एंड व्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट बींग रियल. सो या मैं सुबह जिम गई थी तो अभी आई जस्ट गॉट द टाइम राइट नाउ. माई फेस इज ऑयली सो मच, कितना ज़्यादा ऑयली रखा है. सो लास्ट ईयर मेरा प्रो लेने का बहुत ज़्यादा मन था. लास्ट ईयर तक आई वॉज यूजिंग अ विंडो लैपटॉप जो कि काफ़ी अच्छे से क्रैश व्रैश हो गया था, मतलब बिल्कुल ही यूज़ से बाहर था. तो मुझे लैपटॉप लेना था एंड द फर्स्ट चॉइस वॉज लाइक हे आई एम गोइंग टू गो आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड आई एम गोइंग टू गेट अ मैकबुक. ओके एंड दैट टू मैकबुक प्रो. बट वेन आई सॉ द प्राइस आई ट्राइड रियली 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 हार्ड कि मुझे कहीं से अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए सो आई कुड अफोर्ड द प्रो. मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया एंड आई वेंट फॉर मैकबुक एयर क्योंकि उस टाइम पर मुझे वो किसी आई थिंक फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल पे 55,000 का मुझे मिल गया था. सो आई वॉज लाइक ये चलो ठीक है, मैकबुक तो मैकबुक होता है, चाहे एयर लो या प्रो लो क्या फ़र्क पड़ता है. सो आई परचेज द एयर एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट. Let me just tell you guys that I wanted the laptop just for the sake of editing my videos because other than that I already have a laptop from my company side, so I didn't really needed a laptop. So for the editing purpose I needed this laptop क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे भी edit करती हूँ but I couldn't use lot of effect और काफ़ी अच्छे से मैं अपनी वीडियो को edit नहीं कर पाती थी. तो उसी purpose के लिए मैंने सोचा था कि हम एक laptop ले लेते हैं. अब जब मैं Air को use कर रही थी तो it was it's for like very light usage. अगर आपको movies देखनी है, videos देखने हैं, YouTube देखना है, ब्राउजर पे कुछ भी सर्फिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी है या फिर उसको लेके कहीं ट्रैवल करना है, सो दैट मैकबुक इज परफेक्ट फॉर दैट. बट सिंस मुझे बहुत ज्यादा हैवी एडिटिंग के लिए चाहिए था, आई एम नॉट हैप्पी विद इट क्योंकि वो काफी ज्यादा हीट अप हो जाता था एंड मुझे फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी. तो आई वॉज लाइक ओके मेरे तो पैसे अभी इस पर डूब गए हैं एंड आई वॉज लाइक वाई डिड आई कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट, आई ऑलरेडी वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी एंड यू गाइज माइट नॉट बी नोइंग इट बट आई इवन परचेज्ड अ कैमरा. या गाइज आई मीन यू ऑल हैवन बीन एबल टू सी दैट कैमरा फीचरिंग दैट मच इन माई वीडियो एंड माई वीडियो क्वालिटी हैज़ नॉट बीन दैट गुड क्योंकि वो कैमरा जब वीडियोज़ बनाता है वो इतना ज़्यादा हैवी होता है, लाइक एक जी बी की मतलब 5 मिनट की वीडियो बनती है एंड वो ना मैं अपने फ़ोन में एडिट कर सकती हूँ और ना मेरे पास कोई लैपटॉप था उसे एडिट करने के लिए. सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू मेक लॉट ऑफ वीडियोज़ इन दिस टाइम क्योंकि फ़ोन से मेरा अच्छा नहीं बन रहा था, स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे. सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू कीप अ लॉट ऑफ वीडियोज कमिंग ऑन टू माई चैनल, दैट्स लाइक वन ऑफ द रीजन. सो आई वॉज लाइक वॉन्टिंग मैकबुक प्रो बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट, लाइक
You understand, the price point is so high. Like, you can get so much of thing is in this price range, and already maine air pe aur apne DSLR pe itne paise kharch kar diye the, but I couldn't bring myself to buy pro. तो इसी तरह से मतलब करते 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 6 महीने बीत गए, एंड आई वॉज लाइक ओके आई विल बाय दिस ऑन माई बर्थडे, आई विल गिफ्ट इट टू माई सेल्फ. बट उस टाइम पे बर्थडे के आसपास इतना कुछ लाइफ में अच्छा कुछ चल नहीं रहा था. आई वॉज लाइक गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज टू बी ऑनेस्ट. सो दैट्स वाई उस टाइम पे मैं नहीं परचेज कर पाई. बट अभी जुलाई आ चुका था एंड आई वॉज लाइक इनफ इज इनफ, आई रियली नीड इट, आई रियली नीड टू गेट बैक ऑन यूट्यूब. I need to produce content, I have to like purchase it. I saw lot of window laptops, जो कि मैं सोच रही थी कि ठीक है अगर इतने पैसे नहीं खर्च करने तो window में देख लेते हैं कुछ. But मुझे see, it's all about mind versus your heart. तो मेरा mind तो कह रहा था कि हम एक window का laptop ले लेते हैं, काम आ जाएगा. But my heart was like नहीं नहीं नहीं, so me you always wanted this, so you have to get it. So finally मैंने काफ़ी अच्छे से saving वगैरह करी and I was able to get it. ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में बातें करूँ, लेकिन फिर पता नहीं आदत से मजबूर होके मैं इंग्लिश में आ जाती हूँ. सो आई एम वर्किंग ऑन इट. सो नाउ लेट्स अनबॉक्स दिस मैकबुक प्रो सो दैट यू गाइस कैन आल्सो सी व्हाट्स इन देयर. सबसे पहले ये इस तरह के डब्बे में आता है, यू कैन सी मैकबुक प्रो हियर. ये मेरा मैकबुक प्रो का यू नो फोटो है, एंड या यू हैव ऑल द स्पेसिफिकेशंस हियर. सो नाउ लेट्स ओपन दिस एंड शो यू गाइस व्हाट्स इनसाइड दिस. ओके, आई एम रिमूविंग द आउटर पैकेजिंग. दिस इज द लैपटॉप, आई नीड टू टेक इट आउट. सबसे पहले हम अंदर की चीज़ें देख लेते हैं. यू विल गेट दिस कार्ड जिसके अंदर थोड़ी बहुत प्रो की इन्फॉर्मेशन होती है. देन इनसाइड दिस यू गेट द चार्जर एज वेल एज द चार्जिंग केबल. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. सो नाउ लेट्स कम टू द मैकबुक. सो दिस इज हाउ द मैकबुक प्रो लुक्स फ्रॉम आउटसाइड. आई रियली डोंट लाइक दिस लोगो यार, आई यूज टू लव दैट ग्लोइंग लोगो जो पहले होता था, बट या यू हैव टू डील विद इट. सो दिस इज द मैकबुक प्रो. लेट मी जस्ट ओपन दिस. Okay, so you can enter your fingerprint sensor. Okay, so I was watching this YouTube video. ये मुझे सबसे कूल फीचर जो लगता है वो ये है, इसका टच बार. लाइक आई कैन लिटरली कंट्रोल माई कम्प्लीट मैकबुक यूजिंग दिस टच बार. इट हैज़ दिस स्क्रॉल बटन, सो आई कैन जस्ट मूव दिस एंड उस हिसाब से मेरी वीडियो भी आगे पीछे हो सकती है. एंड जिस भी एप्लीकेशन को आप खोलोगे उसके हिसाब से ये टच बार चेंज हो जाएगा एंड यू विल गेट लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी. तो मुझे इतना ज़्यादा ट्रैक पैड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द ट्रैक पैड. And yeah, this is pretty much it. I have to change the background. And this is the 256 GB model. बाकी तो मुझे इतना कुछ पता है नहीं technical specifications MacBook के. So yeah, that's pretty much it. आप उसके लिए Google कर सकते हो. All right, you guys. So that was all that I had in this box. Now, if you are really planning to buy a MacBook Pro, I really have a big, big, big advice for you. Always keep in your mind that the money that you are investing in this is not the only money you are investing. Isko kharidne ke baad you have to like buy the bag, you have to buy the cover. Iska phone ko cover karte hain usi tarah aapko laptop ko bhi cover karne ke liye ek alag se case kharidna padega, kyunki obviously it's expensive AF firstly, and secondly agar aapke laptop ko kuch bhi hota hai to Apple will charge you a bomb, like really a bomb. Ek chote se डिफेक्ट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं सर्विस सेंटर पे. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. उसके बाद आपको अलग से कनेक्टर लेना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने जितना चेक किया है आपको 5000 से अबव में ही अच्छे ब्रांड का कनेक्टर मिल पाएगा. उसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे खर्चे में होंगे, जैसे कि कीबोर्ड का कवर, ट्रैक पैड का कवर एंड वॉट नॉट. सो वो सारी चीज़ों को भी आप कंसिडर करें. उसमें भी आपको 10 से 15-20 हज़ार रुपये लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर बाइंग. तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही आप MacBook Pro में इन्वेस्ट करें. आई एम ऑब्वियसली आई हैव नॉट यूज इट इतना ज्यादा कि मैं इस पर रिव्यू दे सकूं. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दिस वीडियो नॉट फॉर द पर्पज ऑफ व्लॉगिंग इट एंड शोइंग इट टू यू गाइज, बट ऑल्सो क्योंकि
whatever I post on my YouTube, it stays there, right? आज से 60 years के बाद भी अगर मैं अपना YouTube channel खोल के देखूंगी, I will be able to see like from where I was to what I have grown into, and I can see all my छोटा छोटा achievement on my YouTube channel. So that is also one of the reason that I am vlogging it and I am putting it out on my channel. I hope that you guys will like this video. You guys will support me, love me, and like इस video को please share कर दो अपने friends के साथ. Channel पे first time आए हो, अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय.